तो कल्डी की है जो इतो बड़ो संकट आन पड़ो छोरी के जान पे। न मैं परदादी बनने के लिए मरी जाती, न छोरी खुद को खतरे में डालती। इतो कुछ दियो, देवी मान हमारे को सब कुछ दियो, भरो पूरो परिवार भी दियो है, पर ना इस उम्र में भी आके और का लालच खत्म ना हो गए। अब सोने की सीढ़ी भी चढ़नी थी मारे को, देख लो सोने की सीढ़ी का ले आई वही बच्ची हो। इसमें आपकी गलती नहीं है मासा, आपको थोड़ी ना पता था कि गंगा ऐसा कुछ कर बैठेगी। सिर्फ आप तो ना चाहती थी ना कि चक्की और गंगा का बच्चा हो, सब भी तो यही चाहते थे, तो फिर गलती अकेले आपकी कैसे? अपने आप को दोष मत दीजिए, मैं जानता हूं कि परदादी बनने की कितनी चाहत थी आपके मन में, लेकिन जब ये बात सामने आई कि अगर ये बच्चा हुआ तो गंगा की जान पर खेलकर होगा, उसके बाद आपने इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। बहुत तकलीफ हुई आपको, लेकिन अपने दर्द को अपने चेहरे पर कभी नहीं आने दिया, बल्कि मुस्कुराकर गंगा को इस बात का यकीन दिलाया कि इसमें उसका कोई जोर नहीं। अपने आप को दोष मत दीजिए। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ? आशा के बारे में सोच रहा था भैरव। कितना बदल लिया है उन्होंने अपने आप को। याद है जमुना के वक्त क्या कुछ हुआ था? मैं आप लोगों को यही बताने आई हूं कि माँ और बच्चे में से एक ही को बचाया जाए। अब फैसला आप लोगों को करना है। हमारे को बच्चा चाहिए, हर कीमत पे अपना पोता चाहिए। ऐसी औरत को बचाने से क्या फायदा जो वंश चलाने के लिए एक बच्चा न जड़ सके। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, आशा ने अपने आप को बहुत बदल लिया है। लगता ही नहीं कि ये वही मासा है। ऐसा लगता है जैसे हमारी माँ ने एक नया जन्म ले लिया है। इस उम्र में तो लोगों की सोच पक्की और छोटी हो जाती है, जिद्दी हो जाते हैं लोग, लेकिन मासा ने तो जैसे उम्र का नया नियम लिख दिया है। इस उम्र में इस तरह से बदलते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा। लेकिन सच कहूं भाई साहब, इस सब में मासा की अपनी कोशिशों के अलावा किसी और का भी हाथ है। आनंदी का, कितनी अजीब बात है ना, बच्चे बड़ों से सीखते हैं लेकिन आनंदी ने मासा को यह सब सिखा दिया। हमें तो बल्कि गर्व होना चाहिए अपने घर की इन दो औरतों पर कि आनंदी हमारी बेटी है और मासा हमारी माँ। गर्व तो है भैरों, लेकिन थोड़ी जलन भी होती है। तुझसे जलन होती है मुझे कि तेरी तरह आशा की कोख से मैंने क्यों नहीं जन्म लिया। मुझसे थोड़ा सा ज्यादा खुशकिस्मत तो है तू। थोड़ा नहीं भाई साहब, मैं आपसे बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं, और ये सिर्फ मासा की कोख से जन्म लेने की वजह से नहीं, इसलिए भी कि मेरे पास आप जैसा भाई है जो हर परेशानी में हर मुसीबत में मेरे साथ ही नहीं बल्कि ढाल बनकर हमेशा मेरे आगे खड़ा रहा।
पूरे 3 महीने बाद अपने कमरे में आकर बहुत अच्छा लगा होगा ना आपको। याद आई होगी ना इसकी बात। कमरे की याद तो आई, लेकिन उससे ज्यादा उस इंसान की जिसके साथ इस कमरे में खूबसूरत पल बिताए। आपके कमरे के साथ साथ इस कमरे में अकेले रहने वाले को भी आपकी बहुत याद आई। फ्रेश होकर आता हूँ। वैसे आपने चेतसर कॉल करके दादी जी को तो बता दिया ना कि हम छोटे पापा को लेकर वापस आ गए? नहीं शिव, बस अभी बता देती हूँ। ओके। हाँ छोरी, कैसी है? क्या बात है दादी साहब, आपकी आवाज, कुछ हुआ है वहां पे? क्यों हमारी आवाज को? तू भी ना, तो सब लोग ठीक है ना वहां पे? वो सिवर माही ले आए अपने बापू साहब को? जी दादी साहब, वो लोग आज सुबह ही लौटे हैं। यही बताने के लिए फोन किया था, लेकिन लेकिन दादी साहब आप हमेशा जैसी नहीं लग रही है। परेशान है किसी बात को लेकर, है ना? एक बहुत मन पे भारी बोझ पड़ गया छोरी। चलिए, एक जीवन को बचाने को तुझे जीवन को त्याग करना पड़े तो तैयार हूं मैं। क्यों किया गंगा ने ऐसा? दादी साहब मुझसे भी उसकी बात हुई थी और मैंने कहा था उससे इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए उसे। फिर क्यों? बीमारी वजह से मैं मरी जावे थी ना सोने की सीढ़ी चढ़ने के लिए। छोरी की हालत ठीक ना है और अपने को कोसने के सिवा कुछ ना कर सकूं मैं। जब जब कुछ गलत होते भी मैंने मदद करी हमारी, पर इस बार तो सारी गलती मारी है। मदद मांगूंगी तो इस मुंह से मांगो। मत कोसिए खुद को दादी साहब, उल्टा आपको तो गर्व होना चाहिए इस बात का कि आपने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया है कि आपके लिए गंगा ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं जानती हूँ दादी साहब, ये कदम उठाकर गंगा ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है, लेकिन इस वक्त उसे आपके यकीन और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। गंगा ने साफ मन और निस्वार्थ भाव से सबकी खुशियों के लिए ये कदम उठाया है। भगवान सब देखता है दादी साहब, हम इस त्याग की सजा ना देंगे। गंगा के साथ सब अच्छा ही होगा। इस वक्त कहाँ है गंगा? भीतर है, जांच करें डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने आप लोगों को अंदर बुलाया है? बाद में बात करूंगी, डॉक्टर ने बुलाया हुआ है। डॉक्टर वो गंगा? गंगा प्रेग्नेंट है, 5वां महीना चल रहा है उसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब गंगा ये खुद बात जानती है कि उसकी यूट्रस की वॉल इतनी वीक है, उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? गंगा खुद एक क्वालिफाइड नर्स है, उसके बावजूद उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। अगर वो गलती से भी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे अबॉर्शन करा लेना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई। डॉक्टर अभी इस बच्चे को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, राइट? No. गंगा के केस में ऑलरेडी इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास।
भी तो हो सके ना कि सब कुछ सही से हो जावे और गंगा की जान पे आंच ना आवे। देखिए मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, लेकिन सच तो ये है कि 30% चांसेस है कि सब कुछ ठीक हो जाए और 70% कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको उम्मीद छोड़ने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हम मुश्किल से मुश्किल केस में भी आखिर तक उम्मीद बनाए रखते हैं और यही पॉजिटिविटी हमारे पेशेंट्स में आती है जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी लड़ने की हिम्मत देती है। खुद एक डॉक्टर होने के नाते मैं खुद ये मानती हूँ कि कई बार ऐसे डिफिकल्ट केसेस में दवाइयों के साथ साथ दुआओं और आशीर्वाद एक चमत्कार बन के आती हैं और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेके आती हैं। और हो सकता है गंगा के केस में ऐसा ही कोई चमत्कार हो।